हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक विद सीमा। तो आज मैं आपके टी टाइम को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक बहुत ही टेस्टी स्नैक रेसिपी लेकर आई हूँ, क्रिस्पी अनियन रिंग्स, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और चाय के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इस स्वादिष्ट सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के अनियन लेकर उन्हें पील ऑफ कर लिया है और अब इसके हम 1/4 इंच मोटाई के राउंडल्स काटेंगे। बहुत ही पतले स्लाइस हमें नहीं काटने हैं, थोड़े से मोटे ही रखने हैं। और इस रेसिपी के लिए अगर आपको व्हाइट अनियन मिलता है तो उसके अनियन रिंग्स और भी अच्छे बन के तैयार होते हैं। और इस तरह से राउंडल्स से हम रिंग्स अलग कर लेंगे। ये देखिए, मैंने 2 रिंग्स अलग कर लिया है और इसी तरह से हम सारे अनियन से रिंग्स अलग कर लेंगे। तो रिंग्स हमने तैयार कर लिया है, तो चलिए अब इसका बैटर बना के तैयार करते हैं। तो बैटर के लिए मैंने 1/2 कप मैदा लिया है और 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1/3 या 1/3 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार लेकर इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें बैटर तैयार करना है। तो बैटर बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि एक साथ हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और इसका बिल्कुल रनिंग कंसिस्टेंसी का हमें बैटर तैयार करना है। बैटर बनाते समय ध्यान रखना है कि बैटर में कोई लम्स ना बने। तो हमारा बैटर अब स्मूथ हो गया है बनके और इसकी कंसिस्टेंसी हम चेक कर लेंगे। तो कंसिस्टेंसी भी सही है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो इसके लिए मैंने यहाँ 1 कप ब्रेड क्रम्स लिया है। ये आपको इजीली किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा, नहीं तो आप घर पे भी ब्रेड से ब्रेड क्रम्स ईजिली बना सकते हैं। 1/2 चम्मच मिक्स हर्ब लेकर ब्रेड क्रम्स में ऐड करेंगे और एक बार फिर से इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स हर्ब ब्रेड क्रम्स में डालने से बहुत ही अच्छा फ्रेश फ्लेवर ऐड हो जाता है अनियन रिंग्स में। तो अब हम तैयार किए हुए अनियन रिंग्स को बैटर में डिप करेंगे। बैटर में रिंग्स को डिप करके हमें अच्छी तरह से इसे बैटर से कोट कर देना है। और अब इस कोट किए हुए अनियन रिंग को हमें ब्रेड क्रम्स से कवर करना है। तो इसे ब्रेड क्रम्स वाले बाउल में डालकर और इसे अच्छे से हम हर तरफ से ब्रेड क्रम्स से कवर कर देंगे। तो ये अनियन रिंग्स बनके तैयार है। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा हम फिर इसी प्रोसेस से तैयार करेंगे। तो इसे भी हम बैटर में डिप करके और फिर ब्रेड क्रम्स से अच्छी तरह से कोट कर देंगे। इसी तरह से हम सारे अनियन रिंग्स तैयार कर लेंगे। तो और इस तैयार अनियन रिंग को 10 मिनट के लिए मैं फ्रीज़र में रख दूंगी। तो 10 मिनट हो गया है, मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम तेल में थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स डालकर हम चेक कर लेंगे। तेल हमारा अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। तो तेल जैसे ही हमारा अच्छी तरह गर्म होता है, इसमें हम एक एक करके अनियन रिंग्स डाल देंगे। एक साथ हमें बहुत ज़्यादा रिंग्स नहीं डालने हैं, इसे हम स्मॉल बैचेज में फ्राई करेंगे और 1 मिनट बाद इसे हम पलट देंगे। और इसे पलट कर हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो अनियन रिंग्स हमारे फ्राई होके ब्राउन हो गए हैं। तो इसे अब हम एक पेपर टॉल पे निकाल लेंगे और दूसरा बैच हम फ्राई होने के लिए रख देंगे। रिंग्स को फ्राई करते समय हमें गैस का फ्लेम मीडियम हाई पे रखना है। तो तेज आंच पर फ्राई करने से ये रिंग्स काफ़ी क्रिस्पी बन के आता है। तो दूसरा बैच भी हमने फ्राई कर लिया है और इसी तरह से हम बाकी के रिंग्स भी फ्राई कर लेंगे। तो इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट इस रिंग्स का लगता है चाय के साथ, तो इसे खा के मज़ा आ जाता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। तो जैसे कि आप आवाज़ सुन सकते हैं, काफ़ी क्रिस्प बन के तैयार हुआ है ये रिंग्स। इस ईजी सी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और आपको अगर मेरी रेसिपी जाती है पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलती हूँ फिर एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।